हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की मनी ग्रो एडुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है अलंकित लिमिटेड। मेरा एक टेलीग्राम सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए, और मुझे लगा कि ये स्टॉक में कुछ दम है तो मैं उसी लिए इसका एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप भी मुझे अगर कोई स्टॉक का एनालिसिस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे रिक्वेस्ट पुट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अलंकित शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अलंकित लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट में, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलंकित लिमिटेड का शेयर प्राइस एनालिसिस करेंगे और वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, इसको मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 5-7 साल के लिए होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कल से ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझे बार बार इसके टारगेट के बारे में पूछते रहो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेड करने से पहले मैं उस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेता हूं, तो आज भी वैसा ही करूंगा। तो चलिए जाते हैं स्क्रीनर डॉट इन पे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर डॉट इन पे और मेरे सामने जो है अलंकित लिमिटेड का फंडामेंटल पेज खुला हुआ है। तो जैसे कि आप लोग पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक वैल्यू इसका जो है, जो मैं पहला देखता हूँ बुक वैल्यू, वो 5.44 रुपीज है, और जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 19.75 चल रहा है। मतलब सीधा सीधा अगर इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो करेंट मार्केट प्राइस है ना दोस्तों, वो 4x के आसपास चल रहा है। मतलब ये एक इन्वेस्टेबल जोन पे है, और ये 5x के नीचे है तो प्राइस जो है वो अट्रैक्टिव प्राइस है। मतलब इसको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्राइस है 19.75, इस पे हम लोग नहीं खरीदेंगे। हम लोग जो है ये जो मल्टीप्लायर है इसको और थोड़ा घटने देंगे, उसके बाद इसको जो है खरीदेंगे। दोस्तों, इसके बाद अगर आप देखते हैं इसका आरओसी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो 30% के आसपास है दोस्तों, जो बहुत ही पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे वो भी 20% के आसपास है, 19.49%, ये भी पॉजिटिव है। और सबसे जो अच्छा चीज है इसका सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, 60% के आसपास है। मतलब इसको तो मैं बोलूंगा ट्रिपल पॉजिटिव। एक कंपनी जिसका सेल्स ग्रोथ 60% के आसपास है, आप समझ रहे हो, 60% के आसपास सेल्स ग्रोथ, मतलब इस कंपनी का जो सेल्स है वो रॉकेट के तरह ऊपर जा रहा है। दोस्तों, मैं रेवेन्यू का बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्स के बात कर रहा हूँ। सेल्स जो है वो रॉकेट के तरह ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों, ये सब देख के हम लोगों को यही लगता है कि ये स्टॉक जो है एक इन्वेस्टेबल स्टॉक है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाएंगे शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए, और वहां पे समझने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। अगर आप यहाँ पे 2017 से देखना शुरू करेंगे, मैं उससे पहले नहीं देख रहा हूँ, तो आपको दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो सेल्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो किया है, ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17-18 में बहुत अच्छा हुआ था, मतलब 18 में सबसे ज्यादा हुआ था, 19 में ड्रॉप किया था, लेकिन फिर से देखिए 20 में, मतलब ईयर 2020 में फिर ये बढ़ रहा है अभी। इसका अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे वहां पे भी यही सेम चीज दिखेगा, 2018 में ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया और उसके बाद 2019 में ड्रॉप हो गया, तो इसलिए 2019 में इसका शेयर का प्राइस भी ड्रॉप किया था, और इसके बाद 2020 से ये फिर से ऊपर बढ़ रहा है, मतलब ये इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट में भी आपको सेम चीज ही दिखेगा, तो इसका कोई अलग सा कुछ नहीं दिखेगा। ईपीएस भी वही बात कर रहा है, देखिए ईपीएस भी 2018 में सबसे ज्यादा था, उसके बाद 2019 में ड्रॉप किया, 2020 में अगर देखेंगे 2017 से ज्यादा ईपीएस हो गया। मतलब ये कंपनी जो है एक बार ड्रॉप कर चुका है और उसके बाद ये फिर से ये आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बैलेंस शीट में जाएंगे और वहां पे समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है इसका बैकबोन कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो चलिए जाते हैं बैलेंस शीट पे।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अलंकित लिमिटेड का बैलेंस शीट पे। यहाँ पे अगर आप कैश रिजर्व देखेंगे तो देखिए कैश रिजर्व जो है हर एक साल बढ़ रहा है। 2019 में इसका प्रॉफिट घट गया था लेकिन कैश रिजर्व बढ़ गया। 2019 में इसका प्रॉफिट घट गया था लेकिन कैश रिजर्व जो है वो बड़ा था। इस साल और भी बढ़ गया है। अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका बोरोइंग्स जो है वो घट रहा था। पहले तो जीरो था, ये सब मैं नहीं देख रहा हूँ, ये सब आप छोड़ दीजिए। 2017 से देखिए तो आप देखिए 5 करोड़ था, फिर से 5 करोड़ था, जब लॉस हुआ तो 14 करोड़ हो गया। इस साल देखिए फिर से बोरोइंग कम हो गया। दोस्तों इसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट भी आप देखिए इस साल जो है इंक्रीमेंट हुआ है, और ये लगातार हर एक साल इंक्रीमेंट हो रहा है। जिस साल लॉस हुआ था मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हुआ था 2019 में, उस साल भी ये जो है फिक्स्ड एसेट बढ़ा था। तो इसका मतलब दोस्तों इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो थोड़ा घट सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जो बैकबोन है वो लगातार जो है कंसिस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रहा है। मतलब कभी भी आपको ये बैलेंस शीट में ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई एक साल जो है ये घट गया था, बैलेंस शीट कमजोर हो गया, ऐसा नहीं दिख रहा है। हर एक साल जो है बैलेंस शीट एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन की तरफ जा रहा है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है कोई भी अच्छा कंपनी के लिए। तो दोस्तों यही जो सब चीज मैंने आपको दिखाया है, यही सब देखते हुए इस स्टॉक को जो है मैंने पिक किया है इन्वेस्टमेंट पर्पस, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5-7 साल के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट में जाएंगे और वहां पे आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि हम लोग जो पोजिशन बनाएंगे वो कौन सा प्राइस में बना सकते हैं, हम लोगों का एवरेजिंग कौन सा प्राइस में हो सकता है और टारगेट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अलंकित लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है और यहाँ पे हम लोग अलंकित लिमिटेड का शेयर प्राइस एनालिसिस करेंगे। और मैं अगर यहाँ पे पूरा लेवल ड्रॉ कर देता हूँ मेरा जो एनालिसिस किया हुआ है, तो आपको ये चार्ट कुछ ऐसा दिख सकता है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों इस चैनल में मैं जो भी एनालिसिस पोस्ट करता हूँ वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है और मैं एडुकेशनल पर्पस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। आप ये सब लेवल के बेसिस पे कभी भी आंख बंद करके कोई भी ट्रेड ना करें। आप इसके ऊपर आपका खुद का भी एनालिसिस लगाए, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे बात करें और उसके बाद ही आप डिसीजन ले कि आपको कोई ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों चलिए एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक ही इंडिकेटर यूज करूंगा जो है मूविंग एवरेज 200। 200 मूविंग एवरेज आपको सबको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है और जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर होता है वो 200 मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे यूज करता हूँ तो आप देखेंगे कि बहुत दिन से ये प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा था और कुछ दिन पहले ये ऊपर गया था। यहाँ पे आप देखिए कि कुछ दिन पहले ये प्राइस जो है ऐसे करके ऊपर गया था, ऊपर में एक टॉप बनाया, फिर से 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया और फिर से ऊपर जाके एक नया टॉप बना दिया जो पिछले टॉप के मुकाबले ऊपर है। इसका मतलब दोस्तों इसमें एक अप मूव जो है हम लोगों को दिखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इसको ऊपर नहीं जाना होता तो ये नया टॉप नहीं बना था। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसका जो प्रीमियम चल रहा है अभी भी बहुत हाई है, मतलब 4x के आसपास जा रहा है, तो हम लोग 19.90 मतलब 20 रुपीज के आसपास इसको नहीं खरीदेंगे। हम लोगों का जो खरीदने का प्राइस होगा वो 18.50 होगा, मतलब 18.50 रुपए जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ना 18.50, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। और मुझे लगता है कि प्राइस इसके बाद थोड़ा सा तो रिट्रेस करेगा और हम लोगों का 18.5 जो लेवल है इसको हिट करेगा। दोस्तों अगर उसके बाद प्राइस और भी नीचे आ जाता है तो ये जो एवरेजिंग लेवल है ये 10 रुपीज का, तो हम लोग इस 10 रुपीज लेवल पे अगर आता है तो यहाँ पे हम लोग एवरेजिंग करेंगे। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलूंगा जब हम लोग एंट्री करेंगे 18.50 पे तब हम लोग पूरा का पूरा क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो क्वांटिटी बनता है उस क्वांटिटी का 40 या 50% ही हम लोग एंट्री लेवल पे मतलब 18.50 पे खरीदेंगे। अगर प्राइस उससे नीचे आता है एवरेजिंग लेवल पे आ जाता है तो हम लोग बाकी का क्वांटिटी 10 रुपीज के आसपास जो है एग्जीक्यूट करेंगे। और दोस्तों हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, ये वैसे भी जो है 19 रुपीज का स्टॉक है तो इसमें स्टॉप लॉस जो है वो जीरो होगा। मतलब अगर कंपनी बंद हो जाता है तभी हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा, जब तक कंपनी है तब तक हम लोगों का कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये छोटा कंपनी है तो इसके बाद हो सकता है ये कोई राइट्स इशू कर दे, कोई हो सकता है बोनस इशू कर दे, कोई हो सकता है स्टॉक स्प्लिट कर दे, तो स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे चला जाएगा और आप लोगों को लगेगा कि भाई ये तो नीचे आ गया और मेरा स्टॉप लॉस जो लेवल है उसको हिट कर दिया तो आप बेच देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस या तो जीरो होगा नहीं तो कंपनी अगर बंद हो जाए तभी हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा।
और दोस्तों ट्रेड अगर अच्छा चलता है तो जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होगा, मतलब हम लोग जो शेयर खरीदेंगे, जो शेयर लेके हम लोग जाएंगे, उसका एक पार्शियल प्रॉफिट हम लोग बुक करेंगे 32 रुपीज में, और उसके बाद 5-7 साल के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट के तरह इसको छोड़ देंगे। इसलिए मैंने ऊपर में लिख दिया है इन्वेस्टमेंट जोन, हम लोगों का कोई सेकेंड टारगेट नहीं रहेगा, हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट के तरह यूज करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों ये कॉन्फर्मेशन भी हम लोगों को मिल गया कि इसका वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन, आप देखिए ये जब यहाँ पे था कितना लो वॉल्यूम था, और अभी का वॉल्यूम देखिए जब ऊपर जा रहा है कितना हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। तो ये भी दोस्तों एक निशानी होता है कि यहाँ पे जो है जो इन्वेस्टर है वो खरीदारी कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, और अगर एक्यूमुलेशन ठीक ठाक चल गया तो ये तो ऊपर जाने ही वाला है। तो 5-7 साल के बाद जो है देखा जाएगा कौन सा प्राइस में आ रहा है। तो दोस्तों अभी एक काम करते हैं, हम लोग अभी तक जो भी जाने उसका एक बार समराइजेशन कर लेते हैं और पूरा का पूरा चीज और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स हम लोग जो देखें इसका फंडामेंटल्स जो है वो खराब नहीं है, वो अच्छा ही है। इसका सेल्स ग्रोथ इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ जो है 60% के आसपास है। मैं अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखता हूँ वहां पे भी कुछ खराब नहीं दिखता है। वो दिख रहा है कि 2019 में थोड़ा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया था, लेकिन 2020 में अभी फिर से वो बढ़ रहा है, और जो बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रॉन्गर पोजिशन की तरफ इशारा कर रहा है। वहां पे भी कुछ जो है वीकनेस हम लोगों को दिख नहीं रहा है। और टेक्निकल्स में अगर मैं देखूंगा तो आपको दिखेगा कि ये 200 मूविंग एवरेज के लिए नीचे बहुत दिन से ट्रेड कर रहा था। इसके बाद थोड़ा दिन पहले ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गया था, उसके बाद फिर से नीचे आया और फिर ऊपर जाके एक नया टॉप बना दिया, और वो भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ। मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ ये सस्टेन करने का चांस ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी ये जो है 4x प्रीमियम के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अभी का भी जो 20 रुपया चल रहा है इसमें हम लोग नहीं खरीदेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो एंट्री लेवल होगा वो 18.50 में होगा, जो ये ब्लू लाइन है। अगर प्राइस उसके बाद नीचे आता है तो हम लोग का जो एवरेजिंग लेवल होगा वो 10 रुपीज में होगा। और दोस्तों ये स्टॉक वैसे ही कम पैसे का है तो इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, ये पोजिशनल ट्रेड नहीं है। तो इसमें स्टॉप लॉस जो है या तो कंपनी बंद हो जाएगा तब स्टॉप लॉस होगा, नहीं तो इसका प्राइस अगर 0 हो गया तब स्टॉप लॉस होगा, इसके सिवा इसमें कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। अगर ट्रेड अच्छा चलता है तो हम लोग जो है पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे 32 रुपीज में, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट जोन में छोड़ देंगे। तो इसका कोई सेकेंड टारगेट होगा नहीं, ये पूरा का पूरा 5-7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की तरह रह जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें, और आपके सोशल मीडिया टाइमलाइन मतलब फेसबुक ट्विटर ये सब जगह पे शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर आप लाइव मार्केट में कुछ गाइडेंस चाहते हैं और आपको कोई स्टॉक एनालिसिस के लिए मुझे रिक्वेस्ट करना है तो आप हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो में।